Assalamualaikum student, welcome to your channel Engineering and Technology. Subscribe your channel, like and comments. आज का जो हमारा टुकेट का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 15. हम फर्दर टुकेट में आज एक दो कमांड सीखेंगे. पिछले जो लेक्चर हमारी हुई है 10, 11, 12, 13, 14 तक, उसमें हमने एक 2D प्लान को डिजाइन किया था. ठीक है, आज हम एक दो कमांड और सीखेंगे लेक्चर नंबर 15 में, वो है डिजाइन सेंटर कमांड, कंट्रोल 2+2 एंड एक है लेयर प्रॉपर्टीज या लेयर कमांड LA Enter. ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स है. ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं. ये ऑटोकैड हमारे पास ये ओपन हो गया. ठीक है, मैं यहाँ से ये बेडरूम्स रिमूव कर लेना चाहता हूँ. Enter. ठीक है, तो ये हमारे पास बेडरूम रिमूव हो गया. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कमांड है वो डिजाइन सेंटर है. डिजाइन सेंटर के लिए आप कंट्रोल प्लस 2 भी कर सकते हो, तो आपके साथ डिजाइन सेंटर ओपन ये हो जाएगा. ठीक है, बाकी ये यहाँ पर डिस्प्ले में आपके पास ये शो हो रहा है डिजाइन सेंटर, यहाँ पर क्लिक करके भी आप डिजाइन सेंटर ओपन कर. डिजाइन सेंटर में बेसिकली होते क्या है, डिजाइन सेंटर में हमारे पास सोफा, बेड्स, टेबल्स वगैरह वगैरह, इन सब फ्लावर प्लांट्स, डाइनिंग टेबल्स, ये हमारे पास ये सारे शेप्स होती है. बस टाइम आप लोगों ने 2D ड्राइंग में देखा होगा कि बेडरूम में बेड लगाए होते हैं, तो वो यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बेड एडजस्ट कर लेना चाहता हूँ. इस पर आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, ओके, साइज अगर आपको चेंज करना हो तो यहाँ से आप XYZ कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में दे सकते हैं. यहाँ से आप साइज भी इसको दे सकते हैं. अगर आपने साइज चेंज नहीं करना है इसका, तो ठीक है, तो इसको आप यहाँ से पकड़े और यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्लिक करके छोड़ दें. ठीक, तो ये आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है, माउस से डायरेक्ट मैंने इसको वहां शिफ्ट कर लिया. मैं अब इसको क्लोज कर लेता हूँ. ठीक है, इसको क्लोज करने के बाद अब ये बेड ये बाहर है, तो मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे साथ एडजस्ट हो जाए, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ. ठीक है, कंप्लीट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया. अब मूव कमांड के साथ M Enter प्रेस करके मैं ये बेड यहाँ लेके आ जाता हूँ. ठीक है, अब ये सेंटर में पड़ा है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको दीवार के साथ कर लेना चाहता हूँ. इसको हम रोटेट कमांड अप्लाई करते हैं, इस पर R O Enter, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ. ठीक, तो ये इस साइड पे रोटेट ये हो गया. ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करके M Enter यहाँ से प्रेस करके यहाँ लेके आ जाओ. ठीक है, फिर दोबारा M Enter दोबारा इसको यहाँ पर एडजस्ट कर. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये आपका बेड एडजस्ट हो गया. इस तरह डिजाइन सेंटर में भी जो भी आपको चाहिए हो वो आप ले सकते हो. कंट्रोल 2 मैंने प्रेस कर लिया दोबारा से. अब मैं चाहता हूँ कि ये सोफा हो या ये चेयर्स हो, जो भी चीज़ हो. अभी चेयर्स है, ठीक है, ये भी चेयर डिस्क है, ये सोफा है, ये प्लांट्स है. ठीक है, अगर लॉन में आपने लगाने हो, मैं चाहता हूँ कि मैं सोफा यहाँ से इसको शिफ्ट कर लिया. ठीक है, सोफा मैंने शिफ्ट कर लिया. अब सोफे को मैं इस कॉर्नर में एडजस्ट कर लेना चाहता हूँ. M Enter यहाँ से दोबारा इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया. R O Enter रोटेट मैंने इसको कर लिया. ठीक है, अब दोबारा M Enter मैंने प्रेस कर लिया, तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना चाहूँ. ठीक है, तो ये आपके पास ये सोफा एडजस्ट हो गया. ठीक है, इस तरह आप और भी चीज़ें, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो किचन के लिए, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो, इस तरह आप डिज़ाइन सेंटर से वो कर सकते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड जो है हमारा एक लेयर कमांड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है. उसका कमांड है LA Enter. LA Enter प्रेस करने के बाद ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी. ठीक है, दूसरा यहाँ से आप डायरेक्ट
क्रिएट न्यू लेयर क्लिक कर लो तो यहाँ से भी ये लेयर आपके पास क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू लेयर्स, ये डिलीट करना है, ये सेलेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि मैं एक लेयर क्रिएट कर लेना चाहता हूँ, यहाँ दो क्रिएट हो गए, एक रिमूव कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये को मैंने रिमूव कर लिया यहाँ से, ठीक है। चलो ये इसको डिलीट करें, मैं ओपन कर लिया। अब ये जीरो लेयर है तो मैं इसको क्रिएट न्यू लेयर है, क्रिएट हो गई सिंगल प्रेस करके, ठीक। अब मैं इसको नाम दे देना चाहता हूँ, जिस चीज के लिए आप लेयर क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए क्रिएट कर सकती हो। मतलब अगर आपने 3D में लेयर क्रिएट करना हो, विंडो के लिए अलग लेयर क्रिएट कर सकती हो, डोर के लिए अलग, वॉल के लिए अलग, फ्लोर के लिए अलग, स्लेब के लिए अलग, हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग लेयर क्रिएट करनी होगी, जिसमें आपको बाद में 3D डिजाइनिंग में भी आसानी होगी। यहाँ पर मैं देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट के नाम से एक लेयर मैंने टेक्स्ट दे दिया। यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कलर चाहता हूँ ये वाला, ओके, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप लेयर सेलेक्ट कर लोगे अपना। अब ये लेयर, ये लाइट आपको दिख रहा है तो ये ऑन है, तो मतलब मैं अब जो काम करूंगा वो इस टेक्स्ट में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे करता हूँ। टेक्स्ट टी एंटर मैंने प्रेस कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर अब कुछ लिख लेना चाहता हूँ, ठीक है, टाइम रोमन, ठीक है, बोल्ड। यहाँ पर मैं कुछ लिखने, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ बेडरूम, ठीक है, बेडरूम मैंने लिख लिया, प्रेस ओके, ठीक। अब ये बेडरूम जो लिखा नजर आ रहा है तो वो टेक्स्ट क्लियर, अगर टेक्स्ट क्लियर ऑफ क्लोज हो जाए तो ये आपको नजर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगी आप देख लीजिए। अब बाकी जो काम हुआ है वो सारा जीरो लेयर में हुआ है, और ये जो बेडरूम मैंने लिखा है ये टेक्स्ट लेयर में लिखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ टेक्स्ट लेयर में, यहाँ से ये लाइट नजर आ रहा है इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। लाइट को मैंने ऑफ कर लिया, यहाँ प्रेस कर लिया ओके, तो देख रहे हो कि आपका जो टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। अब ये आपको कैसे नजर आएगा, अगर दोबारा आप इसको ओपन कर लोगे देन ये आपको शो कर रहे, ठीक है। तो इस तरह ये लेयर्स कमांड है, आप इसमें और भी लेयर क्रिएट करना कर सकते हो, क्रिएट न्यू लेयर, जितनी लेयर्स आपको चाहिए उतनी लेयर आप क्रिएट कर, विंडोज के नाम के क्रिएट कर लो लेयर्स, ठीक है। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, कर लो ओके, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो ये विंडोज नाम के लेयर है, फॉर एग्जाम्पल अब ये विंडोज है ना, तो ये विंडो में अब मैं काम कर लेना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल या कोई विंडोज क्रिएट कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। या यही विंडोज में TR ये लाइंस मैंने रिमूव कर लिए इससे, ठीक है, और इसको मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसको मैंने कलर दे दी, ठीक है। अब ये काम विंडो लेयर में हुआ है, ठीक है। अगर आप अभी इसको मतलब क्लोज करोगे, ठीक है, विंडोज लेयर को, तो ये आपके पास, ये यहाँ से मैंने ऑफ कर लिया ओके, ठीक। तो ये काम हमारे पास जो था तो वो जीरो लेयर में हो चुका था, इसी वजह से ये इशू कर रहा है। इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं एक विंडोज क्रिएट कर लेना चाहता हूँ यहाँ पर न्यू काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते, सिर्फ आपको समझ आ जाए इस कमांड की, ठीक है। ये हो गया ऑफसेट 1 इंच, ठीक है। ये एडजस्ट विंडोज की एक शेप में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये विंडो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर ली, ठीक है। अब ये सारा काम जो है ये विंडो लेयर, ठीक है। अब अगर मैं विंडोज ये लेयर जो है ना इसको ऑफ कर लेता हूँ,
ठीक है ऑफ कर दिया, तो यहाँ से देख रहे कि रिमूव हो। ठीक है अब अगर वो दोबारा आपको चाहिए तो दोबारा इसको ओपन कर ले, तो ये दोबारा आपके पास शो हो जाए। बाकी जो कंप्लीट ड्राइंग है वो हमने जीरो लेयर में बनाई है। अब देखते जाओ जीरो लेयर को मैंने ऑफ कर लिया, ठीक है तो सारा ड्राइंग आपका गायब हो गया। ठीक है तो इस तरह ये लेयर्स का, बाकी लेयर्स ओपन है ये देख रहे हो आप, टेक्स्ट की लेयर भी ओपन है और विंडो की लेयर भी, इसलिए टेक्स्ट और विंडो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है दोबारा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है देन आपके पास आपका 2D प्लान कंप्लीट आ गया। ठीक है तो आई थिंक आपको समझ आई होगी दोनों कमांड्स की। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट कमांड में। ओके अल्लाह हाफिज़।